अच्छा देखो, हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। हम लोगों के पास पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि कैल्शियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, डॉट डायग्राम टू शो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स एंड चार्जेस ऑफ बोथ द आयंस प्रेजेंट इन द कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, इसका मैंने कहा कि केमिकल फॉर्मूला आप लोग बना सकते हो। कैल्शियम ग्रुप 2 का है तो हमें पता है वो चार्ज बनाता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव। क्लोरीन ग्रुप 7 का है तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो चार्ज बनाता है Cl-1। इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है हमारे पास? 2 और 1। तो 1 1 से डिवाइड करोगे वो चीज वही रहेगी पूरी। 2 जो है वो यहाँ लिख दोगे, 1 जो है वो यहाँ लिख दोगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCl2। सही है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक वो आयनिक बॉन्डिंग बनानी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा क्वेश्चन से कि वो आयनिक बॉन्डिंग बनाने के लिए कह रहा है? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैल्शियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, ड्रॉ डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स। अब इसने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि आपने फुल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाना है। उसने ये तो नहीं कहा ना शो ओनली आउटर मोशन, तो आपने फुल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ पे। एंड चार्जेस ऑफ बोथ आयंस प्रेजेंट इन कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, अब उसने कहा है कि आप चार्जेस बनाओ बोथ आयंस, तो इसने कहीं भी ये वर्ड यूज नहीं किया कि ड्रॉ आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं इसमें सिर्फ चार्जेस बना के आ जाते हैं। मतलब कैल्शियम है ना, तो कैल्शियम का कहते हैं कि प्रोटॉन नंबर 20 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगी 2.8.8.2। सही है। और जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? उसका प्रोटॉन नंबर 17 है, तो ये बनेगा 2.8.7। अब कैल्शियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो लूज कर देगा। क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो एक गेन कर लेगा। तो कैल्शियम जो है उसका अगर आप बनाओगे तो उसके आपने सिर्फ 3 शेल्स बनाने हैं। 3 शेल्स क्यों, चौथा शेल क्यों नहीं? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और चौथा शेल ही खत्म हो गया है। और कैल्शियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आपने 8 बना दिए। तीसरे शेल में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपने इसके ऊपर चार्ज लगा दिया 2 पॉजिटिव। सही है। अच्छा, मुझे कैसे पता है कि आयनिक बॉन्डिंग बनानी है? क्योंकि उसने बोला है डॉट डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड चार्जेस ऑफ बोथ आयंस प्रेजेंट इन कैल्शियम क्लोराइड। अब उसने बोला है कैल्शियम क्लोराइड दिखाओ ना। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? कैल्शियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड से बनता है ना, आयनिक कंपाउंड है। तो मुझे ऐसे पता चला कि उसने कैल्शियम क्लोराइड बनाने के लिए कहा है मुझे। उसने मुझे ये नहीं कहा कि कैल्शियम अलग बना दो और क्लोराइड अलग बना दो। उसने मुझे कहा है कि पूरा कैल्शियम क्लोराइड बनाओ, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे आयनिक बॉन्डिंग बनानी है इसमें। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 का है, इसके 3 शेल्स होंगे, मैं तीनों शेल्स पूरे बनाऊंगा। रीजन क्या है तीनों शेल्स पूरे बनाने का? क्योंकि इसका कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ है, तीनों के तीनों शेल्स वैसे ही है। पहले शेल में इसके मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए, दूसरे शेल में मैंने इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, और तीसरे शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा है। वो कहां से गेन करा है? वो कैल्शियम ने लूज करा होगा। ठीक है, कैल्शियम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्रॉस से दिखाए हैं, तो यहाँ पे मैं इसका आउटर मोस्ट शेल में क्रॉस से इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा। यहाँ पे इस पे चार्ज किया जाएगा -1। अच्छा, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। अब देखो फॉर्मूला जो हमने बनाया था उसमें कैल्शियम 1 था और क्लोराइड 2 थे। मतलब कैल्शियम का एक एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब जो क्लोरीन है वो तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना सिर्फ, तो दूसरा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? क्लोरीन का दूसरा एटम होगा जो कि एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा। मतलब क्लोरीन के टोटल कितने एटम्स होंगे? 2 एटम्स होंगे। और ये बात हमें फॉर्मूले से भी पता चल जाती है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लोराइड एनायन के साथ भाव एक बड़ा 2 लिख दोगे और बीच में प्लस का साइन लगा दोगे, ऐसे हमारी आयनिक बॉन्डिंग बन जाएगी। सही है। अच्छा, अगर वो कहता है कि शो ओनली आउटर मोस्ट शेल्स या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका काम और आसान हो जाता। आप फिर क्या करते? आप सिर्फ कैल्शियम का आउटर शेल बनाते, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते।
और क्लोरीन का आउटर शेल बनाते और उसमें 7 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स थे ऑलरेडी, वो दिखा देते 1 2 3 4 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से आया वो क्रॉस से दिखा देते और उसपे पूरे पे -1 चार्ज, क्योंकि क्लोराइड के 2 anion है तो यहाँ पे 2 लिख देते और बीच में प्लस लगा देते। लेकिन कब, जब वो कहता है कि शो ओनली आउटर मोस्ट शेल या शो ओनली वैलेंस शेल, या अगर वो क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, वो सिर्फ कह रहा है कि स्ट्रक्चर दिखाओ, तो इट मींस बाय डिफॉल्ट वो कह रहा है कि आप सारे शेल्स दिखाओ। अच्छा, तुम लोगों को कंफ्यूजन सबसे ज्यादा कहाँ हुई थी? कंफ्यूजन वहां पे हुई थी जब उसने हमें, मैंने जब क्वेश्चन में दिया, देखो पास पेपर में वो सिंपल एब्रप्टली तुमसे नहीं कह देगा कि सोडियम ब्रोमाइड बना दो। अब आप लोगों को कंफ्यूजन कहाँ हुई थी, आपने देखा कि सोडियम तो ग्रुप बन गया, आपने कहा कि भाई पहले तो इसका प्रोटॉन नंबर 11 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2.8.1, फिर आप ब्रोमीन पे आए थे। जब आपने ब्रोमीन में देखा तो आपने बोला कि ब्रोमीन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो है 35। आप इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने गए तो वही गलत हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सिलेबस में उन एलिमेंट्स की है ही नहीं जिनका प्रोटॉन नंबर ग्रेटर देन 20 है, तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाओगे। तो यहाँ पे तो पहला स्टेप आपका ऐसे ही खत्म हो गया, आपने वो देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आप उसका ग्रुप देखोगे। आपने उसका ग्रुप देखा तो इसका ग्रुप था 7, आपने बोला 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर आपके जहन में एक और सवाल आया, आपने बोला कि अगर मुझे इनके फुल शेल्स बनाने हैं, फुल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो मुझे तो पता ही नहीं कि ब्रोमीन के शेल्स कितने बनेंगे। तो आपको वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि जिसमें ब्रोमीन इन्वॉल्व्ड हो और उसके वो फुल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह दे। वो आपको हमेशा कहेगा इसका कि शो ओनली वैलेंस शेल या शो ओनली आउटर शेल्स। सही है? तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, उसको पता है कि सिलेबस में क्या है और पेपर में क्या देना है। देखो हया, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए क्योंकि कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, उसके आउट ऑफ मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो ग्रुप 2 का है। क्लोरीन जो है उसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा है क्योंकि वो एक से ज्यादा गेन कर ही नहीं सकता, उसके पास आउट ऑफ मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 7 का है, तो उसको एक ही गेन करना है तो वो 2 क्यों गेन करेगा? और जब उसने 1 गेन कर लिया तो कैल्शियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? उस क्लोरीन का एक भाई आ जाएगा जो कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा उससे, तो 2 क्लोरीन एटम्स हो जाएंगे, लेकिन 1 क्लोरीन जो है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। चाहिए, कमिंग बैक टू सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड की जब वो इलेक्ट्रॉन आपसे आयनिक बॉन्डिंग बनाने के लिए कहेगा तो वो तुम्हें कभी भी उसके फुल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसमें ब्रोमाइड है। ब्रोमाइड क्या है? ब्रोमीन है। ब्रोमीन का आउटर मोस्ट शेल में, ब्रोमीन का प्रोटॉन नंबर 35 है, 20 से बड़ा है, तो तुम्हें कभी कहेगा ही नहीं क्योंकि उसको पता है कि उसने सिलेबस में नहीं डाला हुआ है 20 से बड़े प्रोटॉन नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना। तो आपको वो इसके सिर्फ आउटर मोस्ट शेल बनाने के लिए कहेगा, तो अब तो काम और आसान हो जाएगा। सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल दिखाओगे कि वो ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 का इसका क्या मतलब है कि इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, ग्रुप 1 2 3 लूज करते हैं, जब वो लूज कर देगा तो उसके जो बाद का शेल रह जाएगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो उसका सेकंड लास्ट शेल था वो उसका आउटर मोस्ट शेल बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1 चार्ज आ जाएगा। और ब्रोमीन जो ब्रोमाइड बना उसके आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि ग्रुप 7 का है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने 7 इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन के क्रॉस से बना दिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसने जो सोडियम से गेन करा वो बना दिया -1। अब इसका अगर फॉर्मूला देखो तो सोडियम Na +1 होता है, ब्रोमीन ग्रुप 7 का है -1, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? NaBr, मतलब दोनों 1-1 है, तो 1-1 है, तो आपको यहाँ पे 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट वो 1 है। 1 के अलावा कुछ और होता, 2 होता 3 होता तो आप लिखते। सही है? तो इसमें आपको मार्क्स कहाँ पे मिल रहे होंगे? ये आपने जो अंदर स्ट्रक्चर बनाए और आपने ये जो चार्जेस लिखे, और ये बीच में प्लस चार्ज लगाना मत भूलना, अक्सर जो है वो इस प्लस चार्ज के भी मार्क्स डाल के 3 मार्क्स का बना के दे देता है वो और उस पे मार्क्स काट लेता है। तो आपने प्रैक्टिस पूरी ऐसी करनी है, चाहे वो आपके पास 1 मार्क का है, चाहे वो 2 मार्क्स का है, चाहे वो आप 3 मार्क्स का है, ठीक है, आप पूरा बना दोगे। अगर वो 3 मार्क का है तो आपको भी ये भी पूरा मिल जाएगा। एक प्लस का साइन लगाने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। सही है? कुछ क्लियर हुई है आयनिक बॉन्डिंग जिनको पहले क्लियर नहीं थी? कुछ मेमोरीज रिकॉल हुई है तुम लोगों की?
अच्छा चलो नेक्स्ट, हमने इसमें पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है? इट इज अ बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्डिंग का हमारे पास ये जो पेज फोर था, फोर है, इस पे सारी वो दी हुई थी कि आपने इसके आयनिक बॉन्डिंग बनानी है प्रैक्टिस क्वेश्चन से। इन सब की बना लो, बट मेक श्योर यू ओनली ड्रॉ फुल स्ट्रक्चर्स फॉर दोस एलिमेंट्स ओनली जिनका आपके पास प्रोटॉन नंबर जो है वो 20 या 20 से छोटा है, उससे बड़ा जो है वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग इट इज अ बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या हो रहा होता है, कोई भी एटम अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा होता, ठीक है, बल्कि शेयर करवा रहे होते हैं। ये थोड़ी सी आसान थी। इसमें आसान क्या था कि अगर इसमें आपने एक रूल याद कर लिया, वो रूल क्या था कि कोई भी एटम कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, जितने उसको आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्डिंग में अच्छी बात क्या है कि वो तुमसे कभी भी पूरे शेल्स बनाने के लिए नहीं कहता, वो कहता है कि सिर्फ आउटर मोस्ट शेल बना दो। सही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन नॉन मेटल्स हो रही होती है, मतलब ग्रुप 1, 2 और 3 उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते, वो हो रही होती है आपस में ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 4, ठीक है, ये लोग आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास था क्लोरीन Cl2, दो क्लोरीन एटम्स हैं, उन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग की हुई है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है? मुझे ऐसे पता चलेगा कि ये ग्रुप 7 के हैं दोनों। इसी तरह HCl, तो हाइड्रोजन भी इसमें शामिल होता है, हाइड्रोजन और ये वाले ग्रुप्स। HCl मुझे कैसे पता चलेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड है? क्योंकि ये हाइड्रोजन है और ग्रुप 7 है, इसमें ग्रुप 1, 2, 3 इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये कोवेलेंट है। इसी तरह अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे कैसे पता चलेगा अमोनिया NH3 जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है? क्योंकि ग्रुप 5 का एटम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। कार्बन डाइऑक्साइड मुझे कैसे पता चलेगा कोवेलेंट बॉन्ड है? क्योंकि ग्रुप 4 और ग्रुप 6 के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, मतलब ग्रुप 1, 2, 3 जिस पे नहीं आएगा वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए सिंपल रूल क्या था कि क्लोरीन अगर है, क्लोरीन Cl2 है, क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। उसको रिक्वायर्ड कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो बॉन्ड कितने बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये इसके रिक्वायर्ड है, ये इसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स है, सही है। तो उसको बॉन्ड कितने बनाने हैं? जितने उसको रिक्वायर्ड है, तो वो इसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो एक क्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाना है, वो बॉन्ड मैंने कहा था डंडियों से लगा दो और शेल बना के ओवरलैप करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। एक क्लोरीन के अगर डॉट से दिखा रहे हो तो उसके दूसरे के क्रॉस से दिखा दो, और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 7 है ना, एक उसने शेयर करा दिया, तो बाकी कितने दिखाओगे? 6 इसके दिखाओगे और 6 इसके दिखाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां ये जो कि इसने शेयर कर दिया। ये जो शेयरिंग हो रही होती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो होते हैं जो कि शेयरिंग नहीं कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लोन पेयर कह दो, अनपेयर्ड कह दो, दोनों कहते हैं। अच्छा, हम लोगों ने फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग देखी, फॉर एग्जांपल जैसे CH4 की। CH4 में हमारे पास दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 4 का है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसको रिक्वायर्ड कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए ना कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल। तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा? सिर्फ 4 बॉन्ड्स बनाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको कितने रिक्वायर्ड है? हाइड्रोजन देखो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुश रहता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके खुश रहते हैं। बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स कहते हैं हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में।
हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन है, उसको रिक्वायर्ड कितना है, वन, दो करने के लिए, तो वो बॉन्ड कितने बनाएगा, वन। तो CH4 क्या हो जाएगा हमारे पास, कार्बन ने चार बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन ने चार बॉन्ड बनाने हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला हमेशा दिया हुआ होगा तुम्हें, चार हाइड्रोजन है तो एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। हाइड्रोजन देखो एक एक बॉन्ड ही बना रहा है, लेकिन कार्बन ने अपने चार बॉन्ड बना लिए। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन अगर डॉट से दिखा रहे हो तो हाइड्रोजन के क्रॉस से दिखा दो, ये तो शेड दिखा दो, यहाँ पे यहाँ क्रॉस से दिखा दो। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन थे, आपने चार पूरे बना दिए, ठीक है, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, आपने एक एक दिखा दिया, शेड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बॉन्डिंग में किसी का अगर आइसोटोप है, हाइड्रोजन का अगर आइसोटोप है या कार्बन का आइसोटोप है, तो आइसोटोप से बॉन्डिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन ये कि अगर हाइड्रोजन का कोई आइसोटोप है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होंगे ना। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास प्रोटियम है, उसका क्या होता है, वन वन, ड्यूट्रियम का क्या होता है, वन टू, ट्रिटियम का क्या होता है, वन थ्री, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पहले वाले में वन है, दूसरे वाले में, सॉरी, पहले वाले में जीरो है, दूसरे वाले में वन है, तीसरे वाले में टू है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्डिंग भी सेम रहेगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल दिखाने हैं आउटर मोस्ट शेल में, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कार्बन के और कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं आउटर मोस्ट शेल में, सिर्फ चार होते हैं, तो हमने यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया है। सिमिलरली हाइड्रोजन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया है, लेकिन इससे पीछे वाली एग्जाम्पल में क्लोरीन में हमने ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाने आउटर मोस्ट शेल के, बिल्कुल दिखाने, एक मार्क इनका होता है, भूलना मत दिखाना ये। इसी तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन हमारे पास है ग्रुप 5 का, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए कितने और रिक्वायर्ड है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, तो वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जितने रिक्वायर्ड है उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 3। हाइड्रोजन का आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बॉन्ड बनाता है। अब नाइट्रोजन ने एक एक बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन इससे ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन ने तो एक ही बनाना है, नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। बाकी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 थे, 3 आपने दिखा दिए, तो बाकी 2 आप ऐसे दिखाओगे लोन पेयर बना के। ये बनाना बहुत जरूरी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये नहीं बनाओगे तो आपको एक मार्क कट जाएगा। इसी तरह देखो एक हमारे पास स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन अगेन ग्रुप 4 का है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 रिक्वायर्ड होते हैं, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 रिक्वायर्ड हैं, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, जितने रिक्वायर्ड हैं 2 बॉन्ड। तो कार्बन और ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्डिंग करता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उसने कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना लिए, इससे ज्यादा ये वाला ऑक्सीजन बना नहीं सकता। इसी तरह लेफ्ट वाला ऑक्सीजन ये भी 2 से ज्यादा नहीं बना सकता, लेकिन कार्बन 4 बनाता है। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कि दो एलिमेंट्स ने अगर एक ही साथ दो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसको हम कहेंगे डबल बॉन्ड। कार्बन के इलेक्ट्रॉन अगर आप डॉट से शो कर रहे हो और ऑक्सीजन के क्रॉस से शो कर रहे हो, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों के चारों वो शेयरिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो शेयर हो गए, बाकी आप फिर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, सही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर और है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला याद रखना CO होता है। इसकी खास बात क्या है कि पॉइजनस गैस है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, पॉइजनस गैस है, इसको टॉक्सिक भी कहते हैं, और ये प्रोड्यूस्ड होती है ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन, ये भी पढ़ेंगे कि इनकम्प्लीट कम्बशन क्या होती है। अच्छा, इसने ना एक बार इसकी बॉन्डिंग बनाने के लिए कही, क्या तुम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की कोवेलेंट बॉन्डिंग बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो, मतलब कार्बन जो है वो ग्रुप 4 का है, ठीक है,
इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे. उसको रिक्वायर्ड कितने हैं? उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं. तो वो बॉन्ड कितने बनाएगा? 4 बनाएगा. ये बात अब तक याद हो जानी चाहिए, ठीक है, बहुत इजली. फिर ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के बारे में अभी पीछे बात हुई थी. ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है. इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स. रिक्वायर्ड कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो वो बॉन्ड कितने बनाएगा? 2 बॉन्ड्स. सही है. इसका देखो, जब बॉन्डिंग बनाने जाओगे ना, तो कार्बन आपने कहा कि 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन तो एक ही है ना. इसमें फर्क क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 था, कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, ऑक्सीजन एक ही है. अब आपने अगर एक ऑक्सीजन लगा दिया यहाँ पे और इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बना दिए, तो 2 बॉन्ड से ज्यादा तो आप नहीं बना सकते हो. कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 4 आपने क्रॉस से दिखा दिए, 2 आपने यहाँ दिखा दिए. क्या ऑक्सीजन स्टेबल हो गया है? हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उसको 2 चाहिए थे, 2 उसने कार्बन के साथ शेयरिंग करके ले लिए. तो ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. लेकिन क्या कार्बन स्टेबल है? कार्बन स्टेबल नहीं है. कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 उसने शेयर किए, बदले में 2 आ गए. टोटल कितने हो गए यहाँ से? 1, 2, 3, 4, 5, 6. अभी भी कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है. सही है. तो ये बॉन्डिंग जो है वो पूरी नहीं हुई है. अच्छा, इस पर्टिकुलर बॉन्डिंग के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्डिंग ना आपको याद करनी पड़ेगी. इसमें एक स्पेशल फिनोमेना और होता है जो मैंने सोचा था कि पास पेपर्स करते वक्त बताऊंगा. इसमें एक एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है? कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है पहले. सही है. इसको गौर से सुनना, ये एक ही तरह की बॉन्डिंग है जो आपको याद होनी चाहिए. ऑक्सीजन ने क्या करा, अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया और कार्बन को बोला जाओ ये तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए. अब कार्बन ने बोला इसको रख के मैं क्या करूंगा? उसने बोला कि तुम्हारे पास ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, हम दोनों इसकी आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, इन दोनों की, ठीक है. ऑक्सीजन ने इसको गिफ्ट दिया एक इलेक्ट्रॉन, जाओ ले लो. कार्बन ने बोला भाई काम करते हैं कि हम दोनों आपस में इसकी शेयरिंग कर लेते हैं. जो इलेक्ट्रॉन बचा है, तुम्हारे पास भी पूरे नहीं है, मेरे पास भी पूरे नहीं है. तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन एक और बॉन्ड बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड. लेकिन इस बॉन्ड की खास बात क्या है कि इस बॉन्ड में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है आखिरी वाले बॉन्ड में, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए थे? ऑक्सीजन से आए थे. सही है. ऐसी बॉन्डिंग को नाम कहते हैं डेटिव बॉन्ड. नाम सिलेबस में नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड का उसने एक बार क्वेश्चन डाला हुआ था डेटिव बॉन्ड का. सही है. तो दोबारा से सुनो कि इसने करा क्या. कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मैं बनाने जाऊंगा तो मेरे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है. कार्बन और ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन के तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, कार्बन के नहीं हुए. कार्बन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है. मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि एक मिनट रुको, डॉट एंड क्रॉस का ख्याल रखना. जो आप की दे रहे हैं ना, हम लोग हम की ये दे रहे हैं कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से हैं, ऑक्सीजन के डॉट से हैं. तो इस चीज का जरूर ख्याल रखना, कार्बन के क्रॉस से हैं, ऑक्सीजन के डॉट से हैं. सही है. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, कार्बन के 4 थे. कार्बन ने 2 शेयर किए और उसके बदले में 2 आ गए. लेकिन मसला ये है कि कार्बन के पास अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए हैं, टोटल उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं. तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ने अपना एक ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के कार्बन को दे दिया एज अ गिफ्ट, कि ये तुम रख लो, ये तुम्हारा हो गया. लेकिन कार्बन फिर भी जब भी स्टेबल नहीं होगा. ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, सिंपल, ये इलेक्ट्रॉन उसने लिया ये वाला इलेक्ट्रॉन और उठा के दे दिया कार्बन को, ठीक है. कार्बन के पास एक डॉट वाला इलेक्ट्रॉन आ गया. लेकिन कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में अब गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हुए. 1, 2, 3, 4, 5, 2 ऑक्सीजन से 6, 7. अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है ना,
तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से बोलेगा कि ये वाला जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है इसको भी ले आओ ना, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो जब वो ये वाला इलेक्ट्रॉन लाएगा तो ऐसे तीन कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, जिसमें दो कोवेलेंट बॉन्ड तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड थे, कार्बन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे। तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाले दिखाओगे, सही है। तो ये स्ट्रक्चर है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब सवाल यह है कि क्या कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा भी कोई ऐसा कंपाउंड आ सकता है कि जिसमें इस तरह से बॉन्डिंग हो रही होगी? तो उसका आंसर है नो। अगर आएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने ये काम सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए याद रखना है, इसकी बॉन्डिंग। एक बार मैं और समझा देता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्डिंग, बल्कि रुको इसका एक क्वेश्चन जो है वो ही देख लेते हैं डायरेक्ट, अगर तो इसका क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो इसका क्वेश्चन है नहीं अभी मेरे पास, बट आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बॉन्डिंग बनानी है, कार्बन डाइऑक्साइड की हमने क्या बनाई, CO2 था, तो वो सिंपल हमने क्या बनाई, दो ऑक्सीजन और एक यहाँ एक यहाँ। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स में डॉट से शो कर रहा हूँ, इस केस में ऑक्सीजन के क्रॉस से शो कर रहा हूँ। ऑक्सीजन के आपने 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने दोनों ऑक्सीजन के, लेकिन अगर वो आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहता है, मोनोऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन, उसका फॉर्मूला है CO, तो उसमें आप क्या करोगे, तीन बॉन्ड ऐसे दिखाओगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट से शो कर रहे हैं, ऑक्सीजन के क्रॉस से शो कर रहे हैं। तो कार्बन का एक यहाँ डॉट, ठीक है, और कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटरमोस्ट शेल में थे, ऑक्सीजन का क्रॉस से शो कर रहे हैं। ऑक्सीजन के पास ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को दिया और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन से खुद शेयरिंग करवा ली, तो ये दो थे यहां से हटा दो और ये यूं लिख दो। अब अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स गिनो, ऑक्सीजन का आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कार्बन के आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दोनों के पास 8 8 हो गए। कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाए, तीन बॉन्ड बनाने पर उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कैसे हो गए, क्योंकि कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन फ्री का मिल गया पहले, वो फ्री का इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ऑक्सीजन ने उसको गिफ्ट कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन, इस वजह से कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 के बजाय 5 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, सही है बाकिया। तो ये चीज आप लोगों को सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए करनी है और किसी के लिए नहीं करनी है। सर आपने जो कार्बन के इस साइड पे दो इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, ये वो हैं जो उसके पास ऑलरेडी थे, ये वो उसके पास जो ऑलरेडी थे, तो उसके पास ऑलरेडी तो 4 थे, तो ये आपने 2 बनाए हैं, तो नहीं 4 थे ना, 2 तो अनपेयर्ड पड़े हुए हैं, बाकी जो 2 हैं वो उसने शेयरिंग में दिखा दिए ना, यहाँ पे देखो जो बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, तो शेयरिंग भी तो की है उसने, 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे शेयर्ड हुए हैं, ये वाले 2 जो है, समझ आई बात? Yes, sir. Okay. अच्छा देखो, जब ये सवाल आया था ना, तो ये सवाल सिर्फ आई गेस 5% कैंडिडेट्स ने सही किया था, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट अगर देखो तो, जब इसने सवाल डाल दिया था तो ये सवाल बहुत ऑब्जेक्शन हुआ था कि ये क्यों आया है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इस तरह से बनाना तो नहीं सिखाई है, तो एग्जामिनर ने बस वो डाल दिया था। और बाद में इस सवाल के ऊपर क्या हुआ था कि इसके जो मार्क्स है ना वो सबको मिल गए थे, ठीक है। अब जब पास्ट पेपर देखोगे ये सवाल सामने आए, तो सिर्फ याद रखना कि ये काम सिर्फ आप कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कर रहे होगे, आपने इसकी याद की है, बाकी जो आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग सिखाई है ना, बाकी आपने वो करनी है, वो आती है सारी। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, क्लोरीन फॉर्म सम कंपाउंड्स दैट आर कोवेलेंट एंड दैट आर आयनिक। हमें पता है कि क्लोरीन कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है, जैसे HCl है, और आयनिक भी बनाते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है। जैसे HCl है वो कोवेलेंट है, NaCl आयनिक है, कैसे पता, क्योंकि वो ग्रुप 1 और ग्रुप 7 है ना, और ये कैसे पता कोवेलेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन और ग्रुप 7 है। अब वो आपसे कह रहा है ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम
फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड और उसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, CCl4। आगे देखो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, यू ओनली नीड टू ड्रॉ आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन एंड क्लोरीन। देख लो यहाँ पे क्या है, इसने आउटर इलेक्ट्रॉन, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में तो हमेशा आउटर इलेक्ट्रॉन्स कहेगा, आयनिक में आपने देखना पड़ेगा कि उसने आउटर इलेक्ट्रॉन्स कहा है या नहीं कहा, कोवेलेंट में तो कहेगा। कोवेलेंट में अगर वो नहीं भी कहता तो बाय डिफॉल्ट आप सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स ही बना के आओगे। अच्छा इसमें कार्बन है, कार्बन हमें पता है ग्रुप 4 का है, उसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको 4 रिक्वायर्ड है, तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ग्रुप 4 का, याद हो गया। क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 रिक्वायर्ड है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 रिक्वायर्ड है, 1 बॉन्ड बनाता है। अब एक कार्बन है, क्लोरीन एक लगाओगे, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, एक बना लिया, लेकिन कार्बन तो 4 बना सकता है ना, लेकिन उसी क्लोरीन के साथ तो नहीं बना सकता ना वो, क्योंकि क्लोरीन एक बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर मैं डबल बॉन्ड बना रहा था तो ऑक्सीजन 2 बना सकता है और 2 बनाता है, लेकिन क्लोरीन तो एक ही बनाएगा ना, तो फिर मुझे दूसरा क्लोरीन लगाना पड़ेगा। कितने क्लोरीन मैं लगा सकता हूँ, 4 क्लोरीन तो मुझे लगाने हैं ना, CCl4 है स्ट्रक्चर, 4 क्लोरीन है, सही है। अब की खुद लोगे, की क्या दिखाओगे कि आप कार्बन को यूं डॉट से दिखा दिया, क्लोरीन को क्रॉस से दिखा दिया, ये जरूर दिखाना, क्योंकि इसने खुद से नहीं दी हुई है की, उसने नहीं बताया कि कार्बन के डॉट्स हैं या क्लोरीन के क्रॉस हैं, उसने बोला है बस डॉट एंड क्रॉस बना दो। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 आपने बॉन्ड में दिखा दिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसने शेयर किया यहाँ पे, तो बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह दूसरे क्लोरीन के साथ भी यही करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सातवां ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपने आउटर शेल सारे दिखाने हैं, जब जाके आपको इस पूरे के 2 मार्क्स मिलेंगे, सही है, ये पूरा बनाने के आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं। सही। अच्छा देखो कोवेलेंट बॉन्डिंग के बाद हम लोग कहाँ पे आए थे, ये प्रैक्टिस करते रहोगे ना पास पेपर से, अब पहले पेपर 1 सारे कर लो, पेपर 2 कर लो, प्रैक्टिस करते रहोगे ये सारी चीजें आ जाएंगी। बॉन्डिंग एक मुश्किल चैप्टर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है इसमें से कुछ भी करना, मार्क्स अच्छे आते हैं इसमें अगर सब सही करके आओ। फिर हमने मेटालिक बॉन्डिंग देखी थी, मेटालिक बॉन्डिंग सिंपल, हमने आई गेस तीसरी बार हम लोग इसको रिवाइज कर देंगे कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या है, मेटल पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था कि ये वर्ड जरूर याद रखना, सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बहुत काम आएगा, और ये जायंट मेटालिक लैटिस बनाता है, जाइंट लैटिस होता है, जिस वजह से इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटालिक बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज मैंने कहा था याद कर लो, और जब प्रॉपर्टीज याद करोगे तो फिर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आप हर प्रॉपर्टी क्यों है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहली प्रॉपर्टी है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिकॉज दे हैव सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने हर प्रॉपर्टी के लिए एक रीजन भी याद रखना है कि भाई क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिकॉज उसके पास सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सही है। मेटल्स के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उसका मेटालिक लैटिस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है उसमें, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। तो आपने ये याद करना है, ये लर्न करनी है, रट्टा मारना है मतलब इन शॉर्ट, और उसका रीजन भी याद रखना है, सही है। तो ये प्रॉपर्टीज थी जो मेटालिक बॉन्डिंग के लिए करनी है, यूजेस तुम लोगों को याद हो जाएंगे, एटलीस्ट 3 यूजेस तो याद कर लेना मेटल्स क्यों यूज होते हैं। फिर आयनिक बॉन्डिंग थी, आयनिक बॉन्डिंग हम लोगों की बात हुई थी कि वो अरेंज होता है इन अ फॉर्म ऑफ आयोनिक लैटिस, जिसको हम जॉइंट आयोनिक लैटिस कहते हैं, ठीक है। जहां पे वर्ड याद रखना जॉइंट आ जाता है ना, इसका क्या मतलब है कि उस कंपाउंड का या उस स्ट्रक्चर का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होगा, जहां पे बट जॉइंट आ जाता है इसका मतलब है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा स्ट्रक्चर का, हाई मेल्टिंग पॉइंट एमपी और बॉइलिंग पॉइंट बीपी, ठीक है। हम लोगों की आयनिक लैटिस में बात हुई थी कि कैटाइन और एनाइन जो है वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, ऑल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं, एक कैटाइन है तो फिर एनाइन है, मतलब ब्लू वाला जो है वो सोडियम कैटाइन है, ठीक है, उसके बाद देखो क्लोराइड एनाइन लगा हुआ है, फिर उसके बाद सोडियम कैटाइन लगा हुआ है, उसके आगे क्लोराइड एनाइन है, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड। ऐसा नहीं होगा कि 2 सोडियम आयन एक साथ आ जाएंगे एक दूसरे के, कहने का क्या मतलब है कि ये दोनों यू यू नहीं हो सकता कभी भी, ये गलत है,
सही है, इसका क्वेश्चन भी किया था, इसका क्वेश्चन में ये लैटिस बनाने के लिए नहीं आता है, बल्कि आपको कभी भी बस फिल करने के लिए कह देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उसने एक क्लोराइड हटा दिया, लेट से उसने यहाँ से क्लोराइड उसने हटा दिया, यहाँ पे एटम क्या है, और बोला कि यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम या क्लोराइड। तो आपने ये चीज देख के खुद डिसाइड करनी है कि यहाँ पे क्या आएगा। सोडियम, दो सोडियम के बीच में सोडियम नहीं आ सकता, ऑल्टरनेटिव अरेंज होता है, एक सोडियम आएगा फिर क्लोराइड, फिर सोडियम फिर क्लोराइड। तो आपको ये चीज देखनी होगी कि यहाँ पे क्लोराइड आएगा, बस इससे ज्यादा वो मुश्किल नहीं बनाता इस चीज को, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है वो जायंट आयनिक लैटिस बनाता है। जायंट है तो मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, इसका क्या मतलब है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। मैंने कहा ना जहाँ भी जायंट का वर्ड है इसका मतलब है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये याद करना है आपको कि सोडियम क्लोराइड या किसी भी आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि इट हैज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू जायंट आयनिक स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो प्योर और इम्प्योर वाली बात सभी आप पूछ रहे हो ना कि 1000 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, 600 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होता, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा गलत पूछ रहे हो, गलत इस सेंस में पूछ रहे हो कि जो प्योर कंपाउंड्स होते हैं वो अपने एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, और जो इम्प्योर होते हैं अगर वो सॉलिड है और उसमें अगर इम्प्योरिटी मिली हुई है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है, और अगर वो गैस है उसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं, बल्कि गैस में तो हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, लिक्विड से गैस बना रहे होते हैं तो कम हो जाता है। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं और फिर उसके यूज हैं। इसी तरह कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में हमने देखा था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे पास दो तरह के हैं, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जायंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनके अभी तक हम बॉन्डिंग बनाते आ रहे थे, अमोनिया, हाइड्रोजन, क्लोरीन, वाटर, ऑक्सीजन एटसेट्रा। और जायंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स वो हैं जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। लाइबा आपके पास हैंडआउट्स में है मेटालिक बॉन्डिंग, वहां से देख लो। सही है, जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स या मैक्रो मॉलिक्यूल, ये तीन तरह के हैं, इन तीनों के हमें स्ट्रक्चर याद रखना है। देखो बॉन्डिंग एक बहुत लंबा चैप्टर है, हमारे पास जो सबसे लंबे चैप्टर्स है ना वो